गुड मॉर्निंग एवरीवन कंटिन्यूइंग विद आवर लेक्चर हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीटी इसका मतलब कि एक पर्सन को आप फुली इंडेमनिफाई कर सकते हो लेकिन हमने बात की एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नहीं होगा अगर एक फिक्स सम पे किया जा रहा है चाहे उसे लॉस हो चाहे ना हो इसका मतलब कि जो भी आपके लाइफ इंश्योरेंस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और सिकनेस इंश्योरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेम नहीं है नेक्स्ट योर गुड जो सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल आता है दैट इज कि गुड फेथ होना चाहिए बिटवीन द इंश्योर एंड इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उ में फिडाई कहा जाता है इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो बेस्ड है ऑन अटमोस्ट गुड फेथ इसका मतलब जो भी मेटीरियल फैक्ट्स हैं बोथ पार्टीज उसे फुली डिस्कलोज करेगी जो इंश्योरर है उसे भी सारा ट्रुथ बताना पड़ेगा और जो इंश्योर्ड है उसे भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी पड़ेंगी द नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ जर्नल कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जर्नल कॉन्ट्रैक्ट का ही टाइप है और ये कवर्ड होता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग जो उसका सेक्शन 10 है उसके अकॉर्डिंग एक एग्रीमेंट जब हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है जब उसमें कुछ फीचर्स हो वो फीचर्स कौन से हैं वो है फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का अगर ये सारे फीचर्स हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है और सेम चीज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर भी अप्लाई होती है तो क्योंकि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें ये सारी चीजें होना जरूरी है इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस नॉर्मल कमर्शियल जो भी ट्रांजेक्शन होती है बायर हमेशा रिस्क पे होता है रिगार्डिंग की जो क्वालिटी और कंडीशन है गुड्स की या प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहा है वो कैसी है इसका मतलब कि बायर को पहले जब वो खरीद रहा है तो उसे पहले से प्रोडक्ट को एग्जामिन कर लेना चाहिए उसके बारे में पता होना चाहिए लेकिन जो इंश्योरेंस है यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जहाँ जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी है अगर दोनों पार्टीज ने इंश्योर्ड और इंश्योरर ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से? Principle है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि आप जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो उस चीज को अगर कुछ हो जाता है तो आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट पढ़ना चाहिए इफेक्ट मतलब कि आपको किसी ना किसी तरीके का कोई लॉस आप उससे सफर करेंगे तो तभी हम कहेंगे कि आपका उस चीज में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है एज पर द इंश्योरेंस क्लेम्स कम्पलेन ब्यूरो एक पर्सन को हम तब कहेंगे कि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसी चीज में है जब जो लॉस या डैमेज उस कंसर्न चीज को होता है तो उसकी वजह से उस पर्सन को कोई फाइनेंशियल लॉस लॉस या किसी अदर काइंड ऑफ को फेस करना पड़ता है सिंपल मीनिंग पॉलिसी होल्डर जो है जो इंश्योरेंस ले रहा है वो किसी ना किसी तरीके से कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस सफर करे अगर वो इवेंट अराइज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि एक जो एम्प्लॉयर है उसका जो उसका एम्प्लॉई है उसकी लाइफ में कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना हो अगर उसका एम्प्लॉय कहीं चला जाता है या उसके एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो जरूरी नहीं है एम्प्लॉयर को फर्क पड़ना चाहिए वो किसी और पर्सन को एम्प्लॉय रख सकता है लेकिन जो एक मारड कपल है उनका एक दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट है क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अगर डिपेंडेंट नहीं भी है फाइनेंशियली तो इमोशनली डिपेंडेंट हो सकते हैं तो जो मैरिड कपल है उनका एक दूसरे की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है अब ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास इंश्योरेंस है किस पे प्रेजेंट होना चाहिए कब प्रेजेंट होना चाहिए ये चीज भी आपको कंसिडर करनी है कब होना चाहिए कैसे होना चाहिए उसकी बात हम कर रहे हैं हम ये कहते हैं जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं दो चीजें हैं जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं और दूसरा जब आप इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं किस टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो तब होना चाहिए जब आप पॉलिसी ले रहे हो जब आप पॉलिसी क्लेम कर रहे हो तो तब इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि होना ही नहीं चाहिए नेसेसरी नहीं है होना फॉर एग्जाम्पल एक मैरिड कपल है जब वो मैरिड थे तो उन्होंने इंश्योरेंस लिया थोड़े टाइम बाद वो मैरिड एक दूसरे से नहीं है सेपरेट हो गए हैं या डिवोर्स हो गया है तो लेकिन स्टिल उसमें से एक जो है वो मर जाता है तो जो इंश्योरेंस उन्होंने लिया हुआ था जो पर्सन मरा है वो जब मैरिड था तो जो उसका पार्टनर था उसी के लिए इंश्योरेंस लिया गया था तो इसका मतलब क्या हुआ सिंपल से हम एग्जांपल देखते हैं एक है राम एक है सीता दोनों मैरिड कपल है थोड़े टाइम बाद दोनों अलग हो जाते हैं जो सीता है उसने शाम से marriage कर ली अब सीता ने शाम से marriage कर ली और जो राम है वो अकेला है तो इस केस में अगर सपोज सीता की डेथ हो जाती है लेकिन उसने जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो कब ली थी जब वो मैरिड थी राम से तो जब भी इंश्योरेंस क्लेम दिया जाएगा तो राम जो है वो इसको क्लेम कर सकता है और उसे ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि जब मैं पॉलिसी uh, वो क्लेम कर रहा है तो इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए जब आप पॉलिसी को ले रहे हो तो अगर सीता मर जाती है तो जो राम है वो पॉलिसी की अमाउंट को क्लेम कर सकता है जब वो अलग हो गए तो उन दोनों का एक दूसरे की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहा जब वो इकट्ठे थे तो उनका एक दूसरे की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट था तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम जब आप पॉलिसी ले रहे हैं बट नॉट जब क्लेम ने हो रहा है इन मेराइन इंश्योरेंस जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो नेसेसरी नहीं है एट द टाइम जब आप पॉलिसी ले रहे हैं लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लेम वो प्रेजेंट होना चाहिए अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए दोनों टाइप पर जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तब भी और एट द टाइम ऑफ क्लेम भी नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन लीगल डॉक्ट्रेन है जहां पर एक परसन टेक ओवर कर रहा है राइट या रेमेडीज क्रेडिटर की अगेंस्ट हे स्टेप्ट इसको सिंपल इस तरीके से समझिए कि सपोज एक पर्सन है उसने इंश्योरेंस लिया इंश्योर है इंश्योर्ड है दो पर्सन है इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं एक है मिस्टर ए उसने इंश्योर करवाया अपना हाउस टेन लाख रुपीस में जो हाउस है वो टोटली totally डिस्ट्रॉय हो गया उसका जो नेबर था मिस्टर बी उसकी निग्लिजेंस की वजह से तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मिस्टर ए को टेन लाख का क्लेम दे देगी लेकिन जो कंपनी है उसके पास राइट आ गया क्लेम देने के बाद कि वो मिस्टर बी को कोर्ट में ले जा सकती है और उसके बाद सपोज कंपनी ने फाइल कर दिया सूट इलेवन लाख ,00 रुपीस का और वो केस जीत गई अब जो कंपनी है वो दस लाख ,00 जितने का कंपनसेशन उसने मिस्टर ए को दिया था उतना अपने पास रख लेगी और जो भी अदर एक्सपेंसेस उसके लगे कोर्ट फीस लॉयर चार्जेस सेक्टर रख लेगी और जो बैलेंस अमाउंट है वो मिस्टर ए को पे कर देगी तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है कि जहाँ पर जो एक पर्सन है वो टेक ओवर कर देता है जो भी राइट्स और रेमेडीज अवेलेबल है क्रेडिटर को अगेंस्ट हैज तो ऑटोमेटिकली एज अ मैटर ऑफ लॉ या बाय एग्रीमेंट और एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वो राइट right उसे मिल जाती है तो इन इंश्योरेंस सब्रोगेशन को क्या कहते हैं राइट right, एक इंश्योरर की वो की, वो थर्ड पार्टी को परस्यू कर सकता है जिसकी वजह से लॉस हुआ है इंश्योर्ड को नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि जो इंश्योरर है वो एग्री करता है कि जो भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है वो वो पे करेगा इंश्योर्ड को जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है टू फंडामेंटल पर्पसेस के लिए होता है एक मॉरल हिजार्ड को रिड्यूस करने के लिए दूसरा कि इंश्योर्ड जो है वो किसी भी तरीके का प्रॉफिट ना कमाए लॉस से तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रिंसिपल का दैट इज कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है जो एग्जिस्ट कर रही थी उस चीज के लिए जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया उसको जब डैमेज हुआ उससे पहले वो जिस कंडीशन में थी उसको वापस उसी कंडीशन में लाने के लिए जो अमाउंट है वो वो पे करेगी लेकिन वो जो अमाउंट है वो कितनी होगी जितने का एक्चुअल लॉस हुआ है वो या फिर जितने का आपने इंश्योरेंस लिया है वो दोनों में से जो भी लेस होगा फॉर एग्जाम्पल आपने इंश्योरेंस लिया अपनी गाड़ी के लिए गाड़ी को डैमेज हो गया अब जो गाड़ी को डैमेज हुआ है जो टेन थाउजेंड रुपीज का और आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी वो सिर्फ टेन थाउजेंड पे करेगी मतलब जितने का लॉस हुआ है उस एक्चुअली सेम पोजीशन पर लाने के लिए जितना अमाउंट लगेगा वो उतना आपको देगी लेकिन इसकी एक लिमिट है वो क्या जितना एक्चुअल लॉस हुआ है वो या फिर जितने का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है वो दोनों में से जो कम होगा उतना वो पे करेगी अब इसी में हम एक और एग्जांपल देखते हैं Suppose, आपको जो लॉस हुआ है वो हुआ है सिक्सटी थाउजेंड का जो गाड़ी थी आपकी लेकिन जो इंश्योरेंस है, है, तो तो है ये अप्लाई नहीं होता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं जो वर्ड है इनडेमनिटी जो प्रिंसिपल है इनडेमिटी वो सिर्फ उस केस में यूज होता है जहा पर आप जो वैल्यू है उसे मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी तो ये जो प्रिंसिपल है अप्लाई नहीं होता इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि जो वैल्यू है ह्यूमन लाइफ की वो आप मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एक कोरे uh, है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी की तो ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जब एक पर्सन बाय कर रहा है इंश्योरेंस मल्टीपल कंपनी से सेम रिस्क के लिए तो एज पर दिस प्रिंसिपल जो इंश्योर्ड है वो कंपनसेशन किस अमाउंट तक क्लेम कर सकता है और कितना कितना किससे कर रहा है कर सकता है तो वो क्लेम कर सकता है कंपनसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस चाहे तो सभी इंश्योरर से प्रोपोर्शनेटली या फिर सिर्फ एक इंश्योरर से इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सपोज एक पॉलिसी होल्डर है उसने क्लेम फाइल किया कंपनी से और अगर वो क्लेम फाइल करती है एक कंपनी से सपोज पर्सन है उसने मल्टीपल इंश्योरेंस लिए हुए हैं लेकिन उस पर्सन ने क्लेम सिर्फ एक कंपनी से फाइल किया है तो वो कंपनी उसे उसका सारा जो अमाउंट uh, है कंपनसेशन है दे दे, दे 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 देगी उसके बाद वो जो कंपनी है जो इंश्योरेंस दे रही है वो बाकी इंश्योरेंस कंपनी से जिससे भी उस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया हुआ था सेम चीज के लिए उनसे वो प्रोपोर्शनेटली जितने जितने का इंश्योरेंस लिया हुआ था वो अमाउंट अपना जितना उसने पे किया है पर्सन को वो रिकवर कर सकती है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए उसने अपनी कार इंश्योर करवाई यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से टेन लाख में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से सिक्स लाख में और उसकी कार डैमेज हो गई और क्लेम किया उसने टू लाख रुपीस तो जो मिस्टर ए है उसे फुल क्लेम डिमांड कर सकता है या तो टू लाख किसी भी दोनों में से किसी भी एक कंपनी से या फिर दोनों कंपनी से लेकिन जो क्लेम है दोनों का जितने का उसका डैमेज हुआ है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए या तो वो टू लाख रूपीज दोनों में से किसी भी कंपनी से क्लेम कर सकता है या फिर वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से और सेवेंटी फाइव थाउजेंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच